आप देख रहे हैं अमेज नाउ। अलगटपुर में गुरु पूर्णिमा पर ध्यान शिविर। गोरखपुर जनपद के विकासखंड सहजनवा स्थित अलगटपुर गांव इस समय ओशो आश्रम के रूप में विख्यात हो चला है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर इस आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ। संपूर्ण कार्यक्रम स्वामी निसंग तीर्थ की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें आसपास के जनपदों के अलावा लखनऊ और कानपुर तक के सन्यासियों ने भाग लिया। 2 सत्रों के बीच के समय में हमने कुछ सन्यासियों से भी बातचीत की और उनके विचार जानने की कोशिश की। गोरखपुर जनपद के सहजनवा विकासखंड क्षेत्र में स्थित अलगटपुर गांव, जो पहले कभी गांव के नाम से ही पहचान होती थी, इस समय अलगटपुर ओशो धाम के नाम से जाना जाने लगा है। यहाँ पर पिछले 2 दिनों से 3 दिवसीय शिविर का आयोजन चल रहा है। हमारे साथ तमाम सन्यासी, कुछ लखनऊ, बाराबंकी, देवरिया, आसपास के जिलों से आए हुए हैं, कुछ गोरखपुर से भी हैं। तो इनसे बात करते हैं, इन सन्यासियों से, जो चल रहा है, जो शिविर चल रहा है, इसके बारे में। उद्देश्य है स्वामी जी ओशो के क्रियाकलापों को और उनके ध्यान मेडिटेशन को करना और उसके बारे में जागरूक करना और लोगों को बताना। ध्यान का कोई भी प्रयोग जो है वो आपको अंतर की गहराई से जोड़ता है, जिससे आपका व्यक्तित्व एक अखंड व्यक्तित्व हो जाता है। अभी जो है हम सिजोफ्रेनिक होते हैं, खंड खंड में बटे होते हैं जी। ध्यान आपको एकीकृत कर देता है और आपकी सोई हुई ऊर्जाओं को जगाता है और आप जो भी कार्य करते हैं वो पूरे टोटलिटी से करने लगते हैं जी, और उसकी पूरी क्वालिटी बदल जाती है व्यक्तित्व का और आपके जीवन का। शिविर का मुख्य आकर्षण ध्यान नृत्य होता है, जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग हिस्सा लेते देखे गए। प्रत्येक दिन ध्यान के 5 सत्र हुए, जिसमें सभी सन्यासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तब से मेरे अंदर 2 चीज चली हुई, एक उबाऊपन यानी थकावट और एक जुकाम। हमको आज तक जुकाम नहीं हुआ। पहले जुकाम रहा करता था, पहले होता था सर में दर्द, ये सब खत्म, कमर में दर्द, कहीं दर्द और नहीं होता। तो ये क्या वजह क्या रही है? वजह ध्यान में उतर जाना, पूर्ण रूपेण उतर जाना, और ध्यान में ही जीता हूँ, ध्यान में ही रहता हूँ, ध्यान में खाता, ध्यान में उठता, ध्यान में मरने के लिए भी तैयार हूँ। पहले जैसे मानसिक रूप से आदमी परेशान रहता था, वो काम बन रहा है, अब कोई चिंता नहीं, अब कोई चिंता नहीं रहती है, काम अपना करते हैं, खुश भी रहते हैं। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सेलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीता गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, BPharma, MPharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक, नाउ आल्सो ऑफरिंग BBA, BCA एंड BCom कोर्सेज। KIPM गीता गोरखपुर। तब्दीली ये हुई कि कभी भी जो है कि हमें जैसे घबराहट और कुछ भी ऐसा महसूस होता है, जैसे ये लगता है कि नहीं मैं ये कर नहीं सकती हूँ, मुझसे हो नहीं सकता है, बस तुरंत, जब पहले बुक था तो बुक पढ़ते थे और अब तो वीडियो है, बस जैसे उनको सुन लेते। एक और भी बात है, जैसे मेरे मन में जो सवाल उठते हैं, जैसे हम उनका वीडियो खोलेंगे उसमें उस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। अच्छा। तुरंत मिल जाएगा मुझे जी। कोई भी प्रवचन अगर हम खोल दिए तो मेरे मन में जो सवाल उठते रहते हैं उसका जवाब जरूर मिल जाता है, और उससे एक प्रेरणा मिल जाती है, एक ताकत मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है, फिर जीवन जो है जीने की शक्तियाँ मिल जाती है।
इसी मौके पर देवरिया के एक युवक को माँ ध्यान सुधीची द्वारा संन्यास धारण कराया गया। नई उम्र के सन्यासी हों या बुजुर्ग, सभी में बराबर का जोश और उत्साह देखा गया। अपने महापुरुषों ने तो अपनी अपनी बातों को कही है सिर्फ, लेकिन ओशो ने उन पुरुषों महापुरुषों को जो है कोट किया है। बातें अपनी का अपनी भी का अपनी अपनी बातों को उन महापुरुषों के माध्यम से कहा है। जी तो ये ओशो की सबसे बड़ी ये देन है कि उन्होंने उनकी महानता है उनकी, कि अपने को आगे बिल्कुल ही नहीं रखा है और सारे संतों को सारे महापुरुषों को कोट किया है उनके उनको माध्यम बनाकर। विशेष तरीके का परिधान ये क्यों आवश्यक है या इसके पीछे क्या फिलॉसफी है? आवश्यकता कुछ भी नहीं है, लेकिन एक पहचान होना चाहिए ना कि हम लोग ओशो सन्यासी हैं, तो ये एक परिवार निर्मित किया जा रहा है, बस इसलिए ये वस्त्र होते हैं और माला भी इसलिए कि हम लोग ओशो सन्यासी हैं इसीलिए, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप ऐसे भी ओशो को पढ़ते पढ़ते वैराग्य या ऐसे भी वैराग्य आ गया तो भी आप असली सन्यासी हैं। अगर आप माला नहीं पहनते हैं, ये वस्त्र नहीं पहनते हैं, ओशो को पढ़ते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो भीतर से अगर परिवर्तन है तो आप भी ओशो सन्यासी हो। तो सन्यासी होने का क्या मानक है यहाँ? यहाँ सन्यासी होने का कोई मानक नहीं है, बस आपको मतलब सत्य की प्यास होनी चाहिए, परमात्मा की खोज होनी चाहिए। तो अगर सत्य की प्यास है, परमात्मा की खोज है, वही असली मानक है सन्यासी। देखते रहिए अमेज़ नाउ।